अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, आई एम डॉक्टर मॉम। वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट माइलस्टोन्स एट द एज ऑफ 2 मंथ्स। तो माइलस्टोन्स क्या होते हैं? माइलस्टोन्स आर द डेवलपमेंटल थिंग्स विच अ बेबी कैन डू एट अ सर्टेन एज ग्रुप। और हम आज 2 महीने के बच्चे की बात करें तो फर्स्ट जो माइलस्टोन्स हम देखते हैं जिस ग्रुप में, वो है सोशल। सोशल माइलस्टोन्स आर द वन कि वेन ही सीज यू तो वो काम डाउन हो जाएगा, स्माइल करेगा आपको देख के, खुश होगा आपको देख के, एंड ही लुक्स इनटू योर फेस। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है माइलस्टोन्स की, दीज आर लैंग्वेज कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि बेबी आपसे बातचीत कैसे करेगा। सो 2 महीने का बच्चा कम्युनिकेट करने के लिए ही वुड मेक सर्टेन साउंड्स अदर देन क्राइंग, यानी कि रोने के अलावा वो दूसरी तरह की आवाज़ें भी निकालता है, जैसे बच्चे ऊ इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। तो 2 महीने का बच्चा रोने के अलावा और भी साउंड्स निकालेगा, और कहीं पर लाउड साउंड आएगी तो उसको रिएक्ट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कॉग्निटिव माइलस्टोन्स। दीज आर द माइलस्टोन्स जो उसकी मेंटल ग्रोथ को शो करते हैं। जैसे आप वॉक करेंगे तो उसकी गेज़ आपको फॉलो करेगी। इसके अलावा वो आप कोई टॉय या कोई रेटल उसके सामने करेंगे तो उस पर कुछ सेकेंड्स के लिए अपनी नज़र टिकाएगा। देन हमारे पास आ जाते हैं फिजिकल या फिर ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स, जिसमें अगर आप बच्चे को टमी पे लेटाएंगे, उल्टा लेटाएंगे, तो ही वुड होल्ड हिज हेड अप, यानी कि अपना सर उठाएगा। और इसके अलावा अपने दोनों हाथों पैर को वो मूव कर सकता है। एंड थर्ड थिंग, अपने हाथ थोड़े थोड़े खोलना शुरू करेगा। सो वेन टू सी आर डॉक्टर। अगर इन सारे माइलस्टोन्स में से कोई एक या एक से ज़्यादा माइलस्टोन्स आपको लगता है कि आपके 2 महीने के बच्चे में नहीं है, यू हैव टू सी अ डॉक्टर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो माइलस्टोन पहले आपके बच्चे में मौजूद था, लेकिन आपने अब नोटिस किया है कि वो चीज़ चली गई है। फॉर एग्जाम्पल, पहले वो अपना सर उठाता था जब आप उल्टा लटाते थे, और अब वो नहीं उठा रहा। यू हैव टू सी अ डॉक्टर। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।